को बनना चाहिए। मेरा मकसद नहीं कोई हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में सही, हो कहीं पर आग बस ये आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका केकेडी न्यूज में। दोस्तों, इस समय देश में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम इस कड़ी में आ पहुंचे हैं लखनऊ के अवध बस स्टेशन पर, जहां हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो किसको देखना चाहते हैं और उनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम भैया राजेश यादव है, बलिया जिला। बलिया से हैं आप? इस समय देश में लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है, ठीक है ना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री तो आजकल राहुल गांधी सही रहेगा। राहुल गांधी सही रहेंगे? क्या लगता है किस लिए राहुल गांधी सही रहेंगे? नहीं, मुद्दा देखिए ये रहेगा, बेरोजगारी ज्यादा हो गया, बेरोजगारी का कुछ है, महंगाई है, तो चेंज होना जरूरी है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बबलू है। आप भैया देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जो है। राहुल गांधी देखना चाहते हैं। हां भैया, आप क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, अखिलेश को जिताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। अखिलेश यादव को क्या किस लिए जिताना चाह रहे हैं आप? क्योंकि रोजगार नहीं है, वैकेंसी कोई निकल नहीं रही है, पेपर लीक भी हो जा रहे, पेपर बहुत सारे लीक हो गए, बिहार तक का पेपर लीक हो गया। कितना पढ़े हैं आप? बीएड कर चुके हैं भैया, नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनका अपना अपना मत है, कोई कह रहा है राहुल गांधी, कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी, तो कोई कह रहा है अखिलेश यादव। हालांकि क्या आपको लगता है ठका ठक वाले पे वोट देना है? किसको वोट देना है? राहुल गांधी को। ठका ठक, ठका ठक, और क्यों वोट नहीं दे? महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है ना। क्या लगता है राहुल गांधी महंगाई खत्म कर दे? एक महंगाई खत्म न कर दे, जान ला सही हो जाए, अब पछता चुका है। कैसे खत्म करेंगे? अब एक बार वो पछता चुका है, दोबारा अब समझ जाइए। कहाँ भेजना चाहिए? आप भेजना चाहिए, लाखों करोड़ों लोग ऐसे घूम रहे हैं रोड पे। देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं ये तो बता सकते हैं आप? कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस चाहिए है? कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले। क्या नाम है आपका? राम केवल। अच्छा, तो आप कांग्रेस राहुल गांधी को मतलब देखना चाहते हैं? हाँ। क्या लगता है राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? लगता तो ऐसे ही है। जैसा कि आपने देखा कि जनता की अपनी राय है, अपने अलग अलग मुद्दे हैं, अब ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी कि जनता किसको सत्ता सौंपती है और कौन सत्ता से बाहर होता है। क्या नाम है आप? मेरा नाम अरमान अली। अरमान जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? बैग वैग बड़ा ले लिए हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कुवैत। कुवैत से कहाँ जा रहे हैं आप? फैजाबाद। क्या लगता है इस समय देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? भाई अभी तो हम आए हैं वहाँ से, अभी हमने इधर देखा नहीं है क्या माहौल है। अच्छा, आपने माहौल, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे तो देखते हैं। मैं सफर पे हूँ अभी आया, इधर जाएंगे घर पे देखेंगे माहौल क्या तरीका, उधर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वहाँ जाकर देखेंगे, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा ना हमें। तो वहाँ जाके ऐसा क्या देखेंगे आप? अब जाएंगे देखेंगे कि हाँ कुछ सड़कें हैं, अरे दुनिया भर का काम है, अब उधर देखेंगे उसके बाद देख के तब आप बताएंगे कि अभी वोट तो किए नहीं होंगे आप। चलिए मैम, आपका क्या नाम? पूजा। आप कहाँ कहीं सफर पे निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं? कॉलेज से आ रही हैं। कॉलेज से जा रही हैं आप? क्या लगता है कि देश में देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए आपके हिसाब? नहीं, आपको कौन सही लग रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और देश में इस समय देश विपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या उस पे कैसे काम होना चाहिए और कौन अच्छे से इन सब समस्याओं को टैकल कर सकता है? प्रधानमंत्री जो है अभी इस समय नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे से ये काम कर सकते हैं? क्या नाम है? मतिका सिंह। आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा, आप महिला हैं, अभी आपको दिल्ली में एक आपकी सांसद स्वाति मालीवाल का केस पता होगा, उनके साथ बदसलूकी की गई, तो आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, इस पे आपकी क्या राय है? लड़कियों के साथ बुरा होता है तो सही कहाँ हो सकता है, और बाकी सरकार तो उसी की बनेगी जिसका मतलब लोगों ने जिसको ज़्यादा पसंद किया होगा, और हमेशा गलत ही बनती है बेसिकली तो। अच्छा, आप कह रही हैं हमेशा, बहुत बड़ा दावा कर रही हैं, हमेशा गलत ही सरकार बनती है। मुझे इतना मतलब अब जो भी बनती है क्या ही कर सकते हैं। आपका कहना है कि यत्र नारियस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं बस बता रही हूँ कि अब जो लोगों की चॉइस होती है उसी के बेसिस से सरकार बनती है, तो ठीक है सबका। अच्छा, इस सरकार में क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? सुरक्षित है कि नहीं?
मतलब सुरक्षित तो कभी नहीं थी, लेकिन हाँ पहले से तो बेटर ही है। क्या बदलाव दिखा होगा? चीज़ें हुई हैं 1090 के, जैसे हर जगह सेंटर्स हैं, और साइबर में उतनी चीज़ें आगे नहीं गई हैं, क्योंकि बेसिकली इंडिया में साइबर क्राइम कभी जल्दी रुक नहीं सकता, लेकिन फिर भी चीज़ें बदली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? आदित्य दुबे। दुबे जी, आप कहीं सफ़र पर निकले हुए हैं इस समय, देश में घूम रहे होंगे आप, प्रदेश में घूम रहे होंगे, क्या लगता है क्या माहौल है, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? किसी की बने, काम अच्छा करे बस, और क्या। अभी जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ ठीक ही था। अच्छा, अभी ठीक सरकार, मतलब आप सहमत हैं आपके हिसाब से सरकार जो है सही है? क्या है, क्या है? बेरोजगारी है थोड़ा सा। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, बिल्कुल सही है। चाची, चाची नमस्कार। तबीयत आपकी खराब लग रही है, आप अभी ये ऑक्सीमीटर लगाए हुए हैं शायद, ठीक है ना? क्या लगता है चाची, बोल, आप कुछ बताएंगी, जवाब देंगी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और बिना बुजुर्गों के हमारे यहाँ बिना उनकी सलाह के कोई काम नहीं होता है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमको आप बताइए भैया, जो सरकार बने कि सबको अच्छा करे बस, और का। जैसे आपकी तबीयत खराब है तो क्या स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहा है? कर रहे हैं भाई, मर तो कर रहे हैं, नहीं जाने दिया। अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुविधाएं मिल रही हैं? व्यवस्थाएं पूरी मिल रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, सफर पे निकले हैं आप? जी जी। क्या लगता है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, नरेंद्र मोदी ने ये भाषण जो है संसद में दिया था, क्योंकि धूप भी बहुत है, 43-45 डिग्री पारा चल रहा है, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, आप युवा हैं, आपके कुछ मुद्दे होंगे, आपकी कुछ बातें होंगी, क्या लगता है देश में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो सर आपको पता ही है, मैं बेसिकली किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता, पर महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, आपको बाकायदा बखूबी पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, आप कहाँ निकले, अयोध्या किधर जा रहे हैं? नहीं, हम अयोध्या के रहने वाले ही हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इतना भव्य स्वागत हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, कार्यक्रम हुआ, क्या लगता है राम मंदिर के बनने से अयोध्या का कायाकल्प होगा, हुआ है, या वैसे की वैसे ही है? सर देखो, भगवान राम आए वो अच्छी बात है, पर उसमें कितने गरीबों के घर उजड़े वो तो लोगों ने नहीं दिखाया, वो भी तो दिखाना चाहिए था। ठीक है, मंदिर से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट जो गरीबों का घर उजड़ा है उनका भी करना चाहिए ना प्रबंध, उनका हुआ नहीं। गरीबों की बात सुननी चाहिए, जिनका घर तोड़ा गया आपके हिसाब से, उनको भी पैसे वैसे कुछ मिलने चाहिए, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर अंसारी है। समीर भाई, ये बताइए कि इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में तो हम राहुल को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी क्यों आखिर चुनाव हारते जा रहे हैं, और अमेठी से भी चले गए, वायनाड से भी चले गए, अब रायबरेली चले गए? ये तो सत्ता है, कुछ भी हो सकता है भाई, अब ये तो जनता है किसको जिताए, किसको बैठा ले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबी खटाखट खत्म कर देंगे, तो आपको लगता है खटाखट गरीबी खत्म हो जाएगी? अब ये तो लगता नहीं, करने से होता है, कहने को तो प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे वो लोग, नहीं साल से तो बीजेपी भी थी, इसने भी तो कहाँ गरीबी खत्म करी, नहीं कर पाए गरीबी, तो आपके हिसाब से राहुल गांधी को करने से होता है? बिल्कुल। भाई साहब आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल, क्या लगता है देश में भैया प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी जी को। ऐसा क्यों, क्या है उनके अंदर खासियत, क्योंकि जनता अभी देखिए आपके सामने बात कर, उन्होंने कह रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि मोदी बहुत बेस्ट? बाकी सब चोरों को नहीं बनना चाहिए, मोदी जी को बनना चाहिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी समीर तिवारी। समीर तिवारी, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सरकार बने और प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बने, लेकिन आपकी इस बार मेरा पहला वोट था, मैंने अपना पहला वोट डाला, तो मैंने पहले बीजेपी का बटन दबा के चेक किया कि क्या ईवीएम सही है कि नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्या लगा आपको? ईवीएम ओके रिपोर्ट है, अगली बार से हम कांग्रेस को वोट देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समीर तिवारी हैं, ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, लेकिन इनका पहली बार वोट था, इसलिए इन्होंने ईवीएम चेक करने के लिए सबसे पहले कमल का बटन दबाया है। समीर, क्या करते हैं आप? जी हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी हम बीए बीए कर रहे हैं।
तो ईवीएम जब आपने बटन दबा के चेक किया तो क्या पता चला? जी ईवीएम एकदम ठीक है, एकदम मतलब जिस पे आप वोट करेंगे वही वोट जाएगा। तो अब की बार मतलब हमने चेक किया तो मतलब ईवीएम एकदम ठीक है, अगली बार से देखा जाएगा। अगली बार से देखा जाए, बहुत सही किया आपने। आपका क्या नाम है भाई साहब? इंद्रजीत नाम है। क्या लगता है आपके हिसाब से देश में किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? ये राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी होने चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी इस बार सच में प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। कैसे तैयार? जन समर्थन कर रहे हैं सब लोग, रैली में ढेर सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। कि राहुल गांधी के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो आपको नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं दिख रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन वो काम वगैरह जो है कह रहे हैं करने को, पूरी तरह से वादा कर रहे हैं, और जन समर्थन के हिसाब से हमें भी लग रहा है कि कांग्रेस सरकार ही अच्छा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो गरीबी खटाखट खत्म हो जाएगी? ये तो लग ही रहा है, लेकिन अब आने के बाद ही पता चल सकता है। अच्छा, मान लिया इन्हों न करें तो भाई इनको भी 5 साल के बाद हटाया जाएगा। फिर किसको लाएंगे? अब कोई नया अगर खड़ा होगा तो उसे दिया जाएगा वोट, ताकि वो करे। इनको हटाने बाद फिर अपने प्रधानमंत्री बनेंगे। आप खुद प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप कहीं सफर पे निकले हुए हैं, क्या लगता है कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे देश हम जब जब वोट देते हैं कमल को देते हैं। कमल को देते हैं आप? तो इस बार आपने वोटिंग किया कि नहीं किया? किया, अभी किया नहीं, पहली तारीख को पड़ेगी। कहाँ, कौन सा लोकसभा है आपका? गोरखपुर। गोरखपुर लोकसभा। आप गोरखपुर निकल रहे हैं लखनऊ से? हाँ, कानपुर जा रहे हैं। वोट करने जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे जरूर। किसको वोट करेंगे तो आपने बता ही दिया है, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारे कुछ नहीं, हमें सब कुछ मिल चुका है। रवि किशन आपके यहाँ काम अच्छा कर रहे? अरे यार, सांसद है रवि किशन, अच्छे काम कर रहे हैं। अभी पहले ही हम रवि किशन से हाथों हाथ हाथ मिला के आए हैं। अरे वाह, हाथ मिला लिया उन्होंने आपसे? चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका भाई साहब? आकाश कुमार मिश्रा सर। इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए या किसको बनना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को होना चाहिए। राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो खटाखट गरीबी और बेरोजगारी मिटा देंगे, आपको लगता है मिटा देंगे? मिटा देंगे, 100% मिटा देंगे। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार मिश्रा। कहाँ घर है आपका? हमारा यहीं पर घर है, लखनऊ से हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चले गए तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं स्मृति ईरानी की, वो डर के भाग गए। नहीं, डर के नहीं भागे। स्मृति ईरानी अपने आरोपों को नहीं छुटा सकती है, दूसरे आरोपों को देखती हैं, वो अपने आरोपों को नहीं देखती। वो क्या कह रही हैं संसद में, क्या कह रही हैं, दूसरे के आरोपों को वो उजागर कर रही हैं। किसके आरोपों को? राहुल गांधी जी को, कि राहुल गांधी जी महिलाओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी के इतना कोई सम्मान कर ही नहीं सकता महिलाओं का, राहुल गांधी के जितना। अच्छा ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, बहुमत में आती है, तो इनमें से क्या लगता है कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव बनने देंगे? बनने देंगे, जरूर बनने देंगे। कंफर्म है आप? चेहरा भी कोई है नहीं लेकिन? अरे अभी चेहरा नहीं है, पहले सरकार बनने दीजिए और बेरोजगारी 100% मिट जाएगी देश से। बेरोजगारी मिट जाएगी? दिल्ली में आपकी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ उनके सीएम केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे ये कहना चाहते हैं कि ये सब बीजेपी वालों की सब साजिश है, यही सब ड्रामा मचा रहे हैं, बाकी वो यही उनके हार के कारण। बीजेपी की साजिश कैसे यार, वो तो सांसद हैं आपकी, वो तो आम आदमी पार्टी की सांसद है ना, उसमें बीजेपी की साजिश कैसे हो गई? नहीं, उस बारे में हमको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये दिल्ली की आप बात बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की कोई एक भी सीट नहीं है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। ये बीजेपी लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीती है, विधानसभा में कम है उनकी सीट। किसके? हाँ, उनकी सीटें कम है, लेकिन अब आपकी लोकसभा में भी कम हो जाएंगे बीजेपी। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? अब क्या क्या पढ़ाई? हमारी बीएससी हो रही है, बीएससी बायो से। बीएससी कहाँ से कर रहे हैं? 4th सेमेस्टर हमारा हरदोई से हो रहा है। हरदोई से? आप हरदोई के रहने वाले हैं? हरदोई से रहने वाले हम यहीं के, लखनऊ के। हरदोई से हमारी बीएससी हो रही है। तो आप किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ देश में, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ देश में, ये जो जानवर है सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, छोड़ा हम ही लोगों ने, लेकिन इसका प्रबंध सरकार को करना चाहिए, कड़ाई से पालन करना चाहिए इसका, यही सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। चलिए, आपका आपकी अपनी राय है, आपके अपने मुद्दे हैं, और ये देश के युवा हैं, देश के भविष्य हैं, इनको अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंताएँ हैं, इसलिए इनको आस जग रही है कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो शायद देश से महंगाई बेरोजगारी को दूर कर देंगे। संध्या पांडे। संध्या जी, इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी जी को। अभी हाल ही में दिल्ली में आपकी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में
में कम रहती हूँ, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि बनना तो उन्हीं को चाहिए। अच्छा, मोदी जी को क्या किस लिए आपको मोदी जी बेटर लगते हैं? क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस की है। बेटा, देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। मोदी किस लिए आपको अच्छे लगते हैं? वो सेवा करते हैं इसीलिए। किसकी सेवा करते हैं? समाज की। तो ये देख रहे हैं, जैसे कि बच्चा भी बता रहा है कि नरेंद्र मोदी देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में या देश का बच्चा देखना चाहता है। लेकिन युवाओं की अपनी राय है, उनके अपने मत हैं, वो किसको देश की सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं, किसको सत्ता से बाहर बैठाना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, रवि नाम। रवि, इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी ना बने बाकी कोई भी बन जाए। क्यों, क्या नाराजगी है मोदी जी से? सारी नाराजगी है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बिल्कुल बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, क्या आप क्या करते हैं? बिल्कुल, मैंने पढ़ाई करी है। पढ़ाई में क्या कर रहे हैं आप? डिप्लोमा किया आपने, तो अभी आपको रोजगार नहीं मिला इस गवर्नमेंट? रोजगार चाहिए ही नहीं, उनको वैकेंसी निकालनी है, उसको फाइनल करना है, और उनका काम ही क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि देश में कितने परसेंट सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं? पता नहीं कितने हैं, ये तो नहीं बताऊंगा। आपको पता नहीं अभी कितने परसेंट नौकरियां हैं अभी? हाँ। नहीं। चलिए, आइए मैं आपसे पूछता हूँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? देवेंद्र। थोड़ा तेज बोलिएगा। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देश में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? वैसे तो यार जो भी बन जाए, कोई किसी लायक नहीं है। क्या आप सबसे नाखुश हैं? आप नोटा दबा के हैं? सब बेकार, नोटा वाले हैं। हाँ, नोटा। वोट कर लिया आपने? नहीं, 25 को देना है। क्या, कौन सी लोकसभा है? अतरौलिया। लालगंज। क्या नाम है तुम्हारा? अपेक्षा। क्या लगता है बेटा, देश में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए बताओ? शर्माओ नहीं भाई, देखो कैमरा देखो। चलिए, बच्चा है, शर्मा रहा है, लेकिन उसकी अपने मन की आवाज़ निकल रही है कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बैठना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मेट्रो के सफ़र में कि कैसे जनता, कुछ लोग राहुल गांधी को, तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी को, तो कुछ एनडीए को, तो कुछ इंडिया को समर्थन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन लोकतंत्र में यही जनता ही जनार्दन होती है। तो अब ये 4 जून की तारीख तय कर देगी कि देश की सत्ता पर कौन बैठता है और कौन सत्ता से बाहर होता है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी, KKD News, लखनऊ।